आपका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं मसालेदार स्वीट कॉर्न बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मसालेदार स्वीट कॉर्न बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए भुट्टे, हमने भुट्टों को अच्छे से बॉईल कर लिया है, नींबू का रस, बटर, काला नमक, नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला की जरूरत है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और भुट्टे लेंगे और भुट्टे के दाने को अलग कर लेंगे। हम भुट्टे के दाने को नाइफ की मदद से अलग करते हैं। इससे भुट्टे के दाने बहुत ही जल्दी अलग हो जाते हैं और हमारी स्वीट कॉर्न चाट जल्दी बनकर तैयार होती है। अगर आपसे नाइफ से भुट्टे के कॉर्न अलग नहीं हो रहे हैं तो आप हाथ की मदद से भी भुट्टे के कॉर्न अलग कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने हाथ और नाइफ दोनों की मदद से अलग करते हुए भुट्टे के दाने को दिखाया है। जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से इन्हें अलग कर लें। वैसे तो हम स्वीट कॉर्न चाट हमारे कॉर्न बाजार में अवेलेबल होते हैं, उससे बना सकते हैं, लेकिन आजकल भुट्टा जो है वो बाजार में बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा और इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसकी भी कॉर्न चाट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब हम कुकर गैस पे रखेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे और बटर को हल्का मेल्ट होने देंगे। अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं बटर को हम। जब बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें कॉर्न जो हमने भुट्टे में से निकाले थे वो डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हल्का सा भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन 1 मिनट के लिए लगा के रखेंगे और फिर 1 मिनट बाद देखेंगे हमारे जो कॉर्न है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, वो जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। नहीं तो आपको 2 मिनट तक उसे पकाना होता है गैस पे, इससे वो जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करना होता है। अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे मिक्स हो गए हैं, देख सकते हैं इसमें सब मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले को मिक्स करते हुए हम इसमें नींबू का रस भी डाल देते हैं। हमने नींबू का रस भी डाल दिया। जितना खट्टा आप खाना पसंद करें उस हिसाब से इसमें नींबू का रस डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और हमारी स्वीट कॉर्न मसालेदार चाट बनकर तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें।